किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लीची के बाग में खड़े हैं। आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि लीची में आपने देखा होगा कि एक जो बार्क होती है इसकी, जिसको हम छाल कहते हैं, उसको खाने वाला एक कीड़ा होता है जो कैटरपिलर होता है, जो क्या करता है, इसकी बार्क में छेद कर देता है और उसमें एक जाली बना देता है लाल कलर का रेशा करके। और वो छेद जो है वो इस तरह का होता है कि वो आगे चलकर जो है प्लांट सूख सकता है, इवन वो मर भी सकता है। तो जो प्लांट्स पे आपको ऐसे चीज़ें दिखें, उनको आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर उसका कुछ ट्रीटमेंट है जो मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा, वो आपने ज़रूर करना है। इस ये ना केवल लीची में बल्कि और भी फलदार पौधे जैसे आंवला हो गया, आम, अमरूद, अनार, इनमें भी ये अपना प्रकोप दिखाता है। और प्लांट की ना केवल प्रोडक्शन कम हो जाती है बल्कि उसका जो डेथ है वो भी हो सकती है। तो हमें समय रहते हुए इस कीड़े को जरूर कंट्रोल करना चाहिए। जब मैं आया इस फील्ड में, मैंने देखा कि लीची का जो भी सीजन चल रहा है, तो इसके ऊपर कुछ प्लांट्स के ऊपर इसने डैमेज किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे इस जानकारी को शेयर किया जाए। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका जो मैं बताऊंगा वो ये है कि आपको या तो केरोसिन ऑयल या पेट्रोल, ये दोनों में से कोई एक चीज आप ले लीजिए। उसके बाद कुछ रुई चाहिए, ये रुई को आपने इसमें डिबोना है। फिर जहां पर इसने हार्म किया होगा, जहां पर इसने सुराख बनाया होगा, उस सुराख में आपने इस रुई को इंसर्ट कर देना है। ये कीड़ा जो है ये अंदर सफोकेशन के साथ ही मर जाएगा। उसको इंसर्ट करने के लिए आप कोई लोहे की तार या कोई रॉड या सलाई होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अच्छे से उसके अंदर ये जाए और कीड़ा अंदर ही इसकी सफोकेशन के साथ, इसकी गंध के साथ वो अंदर ही मर जाए और आपका प्लांट जो है उसको आप बचा सकें। जब आपने इसमें कॉटन को डिप करके डाल दिया, उसके बाद जो सुराख होगा उसके ऊपर आपने मिट्टी का लेप लगा देना है। मिट्टी को आपने पानी में भिगो के उसका लेप इसके ऊपर लगा दीजिए, आपका प्लांट रिकवर हो जाएगा। अब ये देखिए, जैसा आप ये देख रहे हैं, यहां पर आपको एक जाली नुमा दिखेगा। ये देखिए, जब भी आप लीची या किसी प्लांट के पास जाएंगे लीची के, तो आपको ऐसी जाली दिखेगी। ये जाली क्या, जो कीड़ा है उसने अपनी ये लकड़ी को काट के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, और वो क्या करता है, वो अपना जो एक्सक्रीटा होता है, जब उसका कोई एक्सक्रीटा और इसकी एक वेब बनाता चलता है, इस वेब के अंदर जो है जो कैटरपिलर है वो रहता है और आगे इसमें बढ़ता जाता है। अब ये कैटरपिलर क्या करता है, ये बड़ा अपना दिमाग से तो चलता है ना ये, कि अगर ऐसे रहेगा कोई भी इसको मार सकता है। तो इतना इंटेलिजेंट होने के कारण ये क्या करता है, जहां जाता है उसके बाद अपना एक छेद बना देता है, उस छेद के अंदर ये रहता है। अब आप देखिए, जब आप इस सिलाई को डालेंगे, देखिए कितनी इंसर्ट हो रही है इसके अंदर सिलाई, ये देखिए तो कितना डीप होल है ये, ये देखिए इतनी सिलाई इसके अंदर चली गई है। तो जब तक हमें पता लगेगा, ये हमारा जो नुकसान है, जो प्लांट को नुकसान देना है, वो ये कर चुका होगा। तो समय रहते हमें इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आइए आप करके देखते हैं कैसे इसको करना है। ये देखिए, कोई भी आप कटोरी या कुछ प्लास्टिक का ले सकते हैं, उसमें आपने पेट्रोल को डाला, फिर थोड़े थोड़े रुई के पीसेस इसमें बना लिए, ताकि ये पीस हम इसमें बाद में इंसर्ट करें। अब ये देखिए, जो ये जाली है, पहले हम इसको रिमूव कर लेंगे। कीड़ा इसके अंदर ही होगा, या तो इसकी इस जाली के अंदर हमें दिखेगा, नहीं तो जो ये सुराख है इसके अंदर वो अपना काम कर रहा होगा। आओ जी किशोर जी, ले आओ, इसको अच्छे से हटा लिया मेरे खा वैसे। हाँ, इसके बाद अब देखिए, पाओ पाओ अब देखिए, जो ये हमने पेट्रोल का कॉटन भिगोया, अब इसको हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये देखिए, ये देखिए पूरा कॉटन अंदर चला गया, देखिए आप देख सकते हैं। एक और रखो जी पीस, इसके लिए आप मिट्टी का तेल भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना खोखला है अंदर से, ये किधर रखो जी,
कहते हैं ना साथियों, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर समय रहते हम इसका इलाज कर लेंगे तो हम अपने प्लांट को बचा सकेंगे, नहीं तो कुछ समय के बाद ये प्लांट जो है ये सूख जाएगा। अब इसके ऊपर हम मिट्टी का लेप लगाएंगे। ये देखिए मिट्टी का हमने लेप तैयार किया, अब इसको अच्छे से इसके ऊपर आपने लगा देना। अब अंदर जो कीड़ा है वो सफोकेशन के साथ मर जाएगा। साथ अब ये देखिए, ये होल जो है इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं है जैसा पहले हमने आपको दिखाया, पर इसको भी आपने जो कॉटन प्लगिंग का है वो करनी है। थोड़ा पाओ सोने मिट्टी का लेप लगा देंगे। ये देख, बस 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 ये देखिए आप, ये जो इसकी बार्क है ये देखो कैसे ये कीड़ा सारी बार्क को खाए जा रहा है, और खाने के बाद वो अपना सुराख बना के इसके अंदर अपना रहने का इंतजाम कर लेता है, फिर अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे इसको डैमेज करता है। चलो साथियों देखो, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ये छोटा सा काम है, पर अगर समय रहते ये कर लिया जाए तो आप अपने पौधों को बचा सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो किसान भाई लीची की प्रोडक्शन कर रहे होंगे, जिनके पास लीची के पौधे होंगे, वो इस वीडियो को देखने के बाद सभी पौधों के पास जाएंगे और जिस जिस पौधे के ऊपर ऐसा उन्हें दिखे वो तुरंत इसका इलाज करेंगे और मेरे साथ अपना फोटो शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ कि हमारा जो ये प्रयास है इससे हम अपने लीची के पौधों को बचा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।